सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। एजुकेशन सिस्टम की बिल्कुल एक किसी का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। किसी भी पॉलिटिशियन का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए नहीं देखा होगा आपने। सबसे ज़्यादा गंदा हमारे यहाँ मुझे लगता है ऐसा कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा है अपने यहाँ। इसके रिजल्ट्स बाद में आपको देखने को मिलेंगे, तब आप सोचेंगे कि ये गलत हुआ था हमारे साथ, हमें एग्जामिनेशन करवाए जाने चाहिए थे किसी भी मोड में करवाएं। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, तो ये थोड़ी सी हट के वीडियो है। गवर्नमेंट स्पॉइल आर एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है करंट सिनेरियो की आड़ में। जो भी अभी का सिनेरियो चल रहा है, मैं मानता हूँ कोविड है, ठीक है, लेकिन उसको आगे रख के आप लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी के टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, और अगर आपको भी लगता है कि ये गलत है तो आप लोग ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पहले पूरी देख लेना। हम लोग पढ़ाई करते हैं 10th 12th, चलो ये तो सब करते हैं, बाकी आप लोग फिर उसके बाद हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिल पाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं वीडियो के अंदर। तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, एक एक फैक्ट चेक करने वाले हैं, एक एक फैक्ट के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो का जो भी ओपिनियन हो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइए, और लास्ट में ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। कल बहुत सारे अपडेट्स आए थे बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर भी, सीबीएसई बोर्ड ने भी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है, और 10th के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर बताया गया है कि उनको कुछ इंटरनल के बेसिस पर या फिर जो भी उनका वो फाइनल नहीं किया है कि किस बेसिस पर उनको पास करेंगे, वो प्रमोशन देंगे। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन किए जा रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स को यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर और काफ़ी सारी स्टेट्स हैं यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। और अभी ये पता नहीं है कि उनको प्रमोशन दिया जाएगा, बाकी 8th 9th 11th इनको तो प्रमोशन दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स को भी पोस्टपोन किया गया है, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर वो प्रमोशन देने की बात भी कह रही हैं, और मुझे ये समझ नहीं आता। मैंने एक पोल पूछा था एक कम्युनिटी टैब में कि आप लोगों के इस बार एग्जामिनेशन करवाए जाने चाहिए या फिर लास्ट ईयर की तरह आप लोगों को प्रमोशन चाहिए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि उनको प्रमोशन चाहिए। अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रमोशन जो चलो मिल जाएगा, मैं मानता हूँ कि कोविड अभी है, हाइपर है, कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन करवाएं, जैसे पहले की तरह होता था वैसे हम नहीं करवा सकते हैं अभी। लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए, आपको भी ये लग रहा है कि ये प्रमोशन मिल जाएगा हमें तो हमारे लिए फ़ायदा है, इसके रिजल्ट्स बाद में आपको देखने को मिलेंगे, तब आप सोचेंगे कि ये गलत हुआ था हमारे साथ, हमें एग्जामिनेशन करवाए जाने चाहिए थे किसी भी मोड में करवाएं, लेकिन एटलीस्ट एग्जामिनेशन करवाए जाएं। अभी प्रमोशन दे दिया जाएगा, इन फ्यूचर क्या होगा जब हम अपना मार्कशीट लेकर कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पर क्या वो जो इंटरव्यू वाला बंदा होगा वो आपसे क्या बोलेगा कि आप उस टाइम के पास आउट हैं जब कोविड की सिचुएशन थी, मतलब कि प्रमोशन आपको दे दिया गया था, आपको पास कर दिया गया था। उनको ये नहीं पता है कि आप कैसे हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं या फिर जैसे भी स्टूडेंट। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आपकी मार्कशीट के ऊपर कोविड का या फिर ये प्रमोशन का ठप्पा लग के आपको मार्कशीट दी जाए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है और ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ामिनेशन करवा दिए जाएँ, मैं बस इतना चाहता हूँ, इतना मेरी थिंकिंग ये है। अब आपकी थिंकिंग क्या है आप लोग ज़रूर बताइए। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि किसी भी मोड में एग्जामिनेशन करवा दिए जाएँ, ऑनलाइन करवा दिए जाएँ, ओपन बुक एग्ज़ाम जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था उस बेसिस पे एग्ज़ामिनेशन करवा दें आप, ऑनलाइन घर बैठ के भी एग्ज़ामिनेशन हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो उनके लिए भी दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन प्रमोशन को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग सोच के देखिए एक बार, अगर प्रमोशन दे दिया गया तो आप लोगों का इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ ये भी है कि कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप लोगों को भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है या फिर बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, हर एक स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर कोई भी गाइडलाइन फॉलो की नहीं जा रही है। तो कोविड जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ कोविड नहीं है क्या? स्टूडेंट्स के लिए बस कोविड है। मैं मानता हूँ कि कोविड अभी है,
लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप लोगों के लिए, हमारे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोविड है, तो ऐसे सभी के लिए ही कोविड है। चुनाव रैलियाँ आराम से हो रही हैं, सब चुनाव चल रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हैं आप लोग वहाँ देख रहे होंगे, वहाँ कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस एजुकेशन सेक्टर में ही कोविड है। एक मैंने वीडियो देखा था, एक मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मुझे वीडियो मिल सका तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी क्लिप दिखा दूंगा यहाँ पे लगा के, तो आप लोग उसको देखिए। वो एक सर हैं, तो वो कह रहे हैं कि शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, और ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, शराब के ठेके खुल रहे हैं, और उनके लिए कोई भी चीज़ मतलब जो भी कुछ गाइडलाइन है सब एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए ही की गई है इस बार, और लास्ट ईयर भी। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कोविड है, लेकिन आप लोगों को ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि और भी चीज़ें हैं बंद करने के लिए, वो बंद कोई नहीं किया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था एग्जामिनेशंस को लेके, अगर एग्जामिनेशन करवा दिए जाएँ तो हमें एटलीस्ट ये तो पता लगेगा कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, सेकंड ईयर में आए हैं, उनको आप प्रमोशन दे रहे हैं, तो उनको तो यही नहीं पता है कि हम कॉपी लिखेंगे कैसे, या एग्जामिनेशन होता क्या है, उनको तो प्रमोशन दे दिया है ना आपने, तो ये चीज़ गलत है, मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग नीचे ज़रूर बताइए। बाकी आपको मैं बता दूं कि जितनी स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे यहाँ हर साल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है इंडिया, और ये सब होने के बावजूद भी स्विट्ज़रलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में सबसे ऊपर है, टॉप पर है। बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ इंडिया में लगभग 83% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा यूथ है जो कि ग्रेजुएट है लेकिन जॉब के लिए एलिजिबल है ही नहीं। अगर आप लोग सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा है लेकिन जॉब नहीं है। इसका रीज़न बस इतना ही है कि एजुकेशन सिस्टम की बिल्कुल एक किसी का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। इसका भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए, इसका भी तो कोई रीज़न होना चाहिए। आप सबको क्यों ग्रेजुएट किए जा रहे हैं आजकल हर नुक्कड़ पर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देख सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने बच्चे नहीं उससे ज़्यादा स्कूल खोल रखे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, तो इनके बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए नहीं देखा होगा आपने। मेरे हिसाब से पता है क्या करना चाहिए, एक रूल बना देना चाहिए, इनके अगर जिस एरिया से जो भी पॉलिटिशियन जीता है उसी एरिया के स्कूल में उनका एक बच्चा पढ़ना चाहिए, ये रूल बना देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की क्या राय है आप लोग जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये तो हमारे यहाँ का सिस्टम बना रखा है। और दूसरी चीज़, यहाँ मुझे लगता है ऐसा कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा है अपने यहाँ। पॉलिटिशियंस इलाज करवाते हैं तो वो उनको सब विदेश भाग जाते हैं, इंडिया में इलाज क्यों नहीं करवाते हैं। डॉक्टर्स हमारे यहाँ भी है, पढ़े लिखे यहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, तो ये एक मेजर पॉइंट हो सकता है। चलो इस टॉपिक पे किसी और दिन बात कर लेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये वाला। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को प्लीज़ सोचना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन क्यों नहीं करवा रही है गवर्नमेंट, या फिर प्रमोशन ही क्यों आप लोगों को दिया जा रहा है। इसके ऊपर आप लोग ज़रूर सोचिए, और आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इस टाइप की वीडियोज़ आपको और चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और किस किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए आप लोग नीचे ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, तो आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ कंटिन्यू। लिंक सभी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।